जो पहले ही बात अजीब लगी कि 3-4 दिनों से मीडिया में ये स्टोरी चल रही थी कि प्रधानमंत्री एक्सटेम्पोर बोलने वाले हैं, यानी बिना किताब कॉपी के, बिना लिखित स्पीच के, बिना किसी पॉइंट देखे, बिल्कुल अपने मन से जो उनके दिल में बात आएगी वो कहेंगे। लेकिन जब हम लोगों ने देखा तो कुछ था नोट किया हुआ, शायद पॉइंट्स रहे होंगे, उसको देख देख के प्रधानमंत्री अपना भाषण कर रहे थे। बिल्कुल अधिकार है, प्रधानमंत्री कोई पूरा भाषण पढ़ते हैं, कोई पॉइंट्स देख के पढ़ते हैं, लेकिन ये मीडिया में पता नहीं कहाँ से स्टोरी आई थी कि एक्सटेम्पोर प्रधानमंत्री जी हमारे बोलने वाले। मुझको लगता है कि वो जो खबर छपी थी वो भी एक सोची समझी योजना की तरह थी कि जो उनको बोलना है वो पॉइंट देख के बोल देंगे और जो नहीं बोलना है उसको ये समझा जाएगा कि शायद एक्सटेम्पोर बोलने में उनसे वो चीज नजरअंदाज हो गई, छूट गई। आप लोगों ने प्रधानमंत्री का भाषण कई जगह पर सुना होगा, इलेक्शन के जमाने में, पार्लियामेंट में और लाल किले की प्राचीर से। इसमें फर्क सभी में इतना था कि प्रधानमंत्री का जो पहनावा था वो सब भाषणों में अलग अलग था, लेकिन भाषण सभी जगहों का, चाहे वो इलेक्शन का भाषण हो, चाहे वो लोकसभा और राज्यसभा का पार्लियामेंट का भाषण हो, चाहे वो लाल किले की प्राचीर से दिया हुआ भाषण हो, भाषण बिल्कुल एक था। और जिस मुद्दे को वो उठाना चाहते थे, देश के लिए वो चाहे कितना महत्वपूर्ण क्यों नहीं हो, उसको उठाया, और जिसको नहीं उठाना चाहते थे उसको नहीं उठाया। उन्होंने कहा था कि स्पाइनलेस लीडर हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, पाकिस्तान ऐसे ऐसे सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है और पाकिस्तान के खिलाफ प्रधानमंत्री एक शब्द नहीं बोल रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी खामोश थे कल के अपने भाषण में पाकिस्तान के बारे में बोलने से। कश्मीर के बॉर्डर पे जाके वो पाकिस्तान के बारे में बात करते हैं, ऐसा लगता है कि कश्मीर जाके ही बात करने से पाकिस्तान में नजदीक है, वहां जल्दी से आवाज पहुंच जाएगी और लाल किले की प्राचीर से बोलने से पाकिस्तान तक आवाज नहीं पहुंचेगी। चाइना के बारे में प्रधानमंत्री जी बिल्कुल खामोश थे, लगातार चाइनीज इंकर्शन हो रहा है। महंगाई जिसकी चर्चा पूरे चुनाव के दरमियान की गई थी, महंगाई के बारे में प्रधानमंत्री जी ने एक शब्द नहीं कहा।